तातिरे छटपट उत्तर भारत, दिल्ली में पारद टपिला 50 डिग्री। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह, 45 डिग्री पारद हठात 50 डिग्री पार होगा पर असह्य ताति कलबल हो जनजीवन। लू जो असुस्थ हो पड़ुंट शिशु और वयस्क, डाक्तरखाना रोगी संख्या वृद्धि पाउछि। पानीपाग विज्ञानी सूचना अनुसार आगामी 4 दिन में आहुरी बढ़िबो ताती। राजस्थान के हिस्से हैं यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा जो जयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं सीवियर हीट वेव भी रिपोर्ट होने की संभावना है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से। दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे, 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री 48 डिग्री, मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही है, लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे। दिल्ली और बेंगलुरु में पानी रो अभाव बड़ समस्या भाव उभा होई, सेपटे विभिन्न स्थान में बढ़ी अग्निकाण्ड घटना। दिल्ली में प्रतिदिन 200 अधिक अग्निकाण्ड घटना सामना को आसी। गर्मी में चुनौती हमेशा ज्यादा होती है, पर इस बार अनप्रेसिडेंट जो है समर है और अनप्रेसिडेंट फायर हो रही है। हम लोग डेली के हिसाब से 200 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर चुके हैं पर डे कॉल का, और ये पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा है। अब कभी भी अभी तक जो है 160-170 कॉल होती थी, 200 क्रॉस करना शुरू जो है इस बार ये पिछले 5 दिन से हुआ है। दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं किया? ग्रीष्म प्रवाह रे कलबल जीवन, सेपटे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में मध्य प्रबल ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत होउछि। ए मुंडफटा खरारे देश सुरक्षा में नियोजित वीर जवान निज कर्तव्य पथरे आगे चालिछंती। सेपटे पानीपाग विभाग सूचना अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश पर रेड आलर्ट जारी करिछि। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड पर येलो आलर्ट जारी करा जाइछि। सबुठ आश्चर्यर कथा हूँ पहाड़िया राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर मध्य चलित वर्ष हीटवेव चिंतार कारण पलटि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।